गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 64, लेसन नंबर 14, लवली ग्रैंडफादर, प्यारे दादाजी के न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर को आज हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इस लेसन के को हमने एक्सप्लेन कर लिया था और इस लेसन को हमने समझ लिया था, और आज हम अपने सेकेंड वीडियो में इस लेसन के एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पहला नंबर दिया है न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स दिया हुआ है स्पेंड। स्पेंड का मतलब क्या होता है? मोच। स्पेंड का मतलब होता है मोच। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। स्पेंड का मतलब होता है मोच, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। ठीक है, ये हमारा न्यू वर्ड्स हो गया। और अब हम इसके सेकेंड, रीड एंड राइट आंसर दिस क्वेश्चन में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट हैपेंड टू ग्रैंडपा। तो आइए हम इसे यहाँ पे देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू ग्रैंडपा, दादाजी को क्या हुआ। आंसर है, ग्रैंडपा फेल डाउन एंड गॉट स्पेंड ऑन हिज आर्म, है ना। दादाजी को क्या हुआ? ग्रैंडपा फेल डाउन एंड गॉट स्पेंड ऑन हिज आर्म, दादाजी गिर गए और उनके हाथ में मोच आ गई। सेकंड प्रश्न है, क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रैंडपा लव टू डू, दादाजी को क्या करना पसंद था। ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक, ही ऑल्सो लव टू डू हिज एक्सरसाइज, दादाजी को सैर पर जाना बहुत पसंद था, उन्हें कसरत करना भी बहुत पसंद था। थर्ड है, हाउ डिड द चिल्ड्रेन मेक देयर ग्रैंडपा हैप्पी, बच्चों ने अपने दादाजी को कैसे खुश किया। आंसर है, द चिल्ड्रेंस मेड देयर ग्रैंडपा हैप्पी बाय टेकिंग हिम आउट इन द फ्रेश एयर, देयर ही मेट हिज फ्रेंड्स एंड वेंट फॉर अ वॉक, बच्चों ने दादाजी को घर से बाहर पार्क ले गए, वहाँ दादाजी को अपने मित्र मिले, वे उनके साथ सैर पर गए, इस प्रकार बच्चों ने दादाजी को खुश किया। तो यहाँ पे हमारा न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर पूरा होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इस चैप्टर का हम वोकैबुलरी, शब्दकोश मीन्स ग्रामर पोर्शन को हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।